तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन मिथुन जी एंड जुबीन जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है एंड अब हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोगों की जोड़ी मानी जा रही है। लाइक जो भी आप लोग साथ में जो भी आपके प्रोजेक्ट आते हैं एंड लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो बहुत सारी बातें करेंगे, तो आ गए हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसा रहा ये एक्सपीरियंस एंड अब हम देख रहे हैं कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है जो गाने की शुरुआत होती है वो सबसे पहले एक एक धुन से होती है, फिर उसके बाद एक छोटी सी एक धुन किस तरह से एक इतना बड़ा गाना बन जाती है। आई थिंक वो ही इस गाने की भी कहानी रही है। सर ने एक धुन मेरे साथ शेयर करी और ये लॉकडाउन का पहला गाना था जो डब करा हमने लॉकडाउन में। हर बार हम लोग साथ में होते हैं सेशन में, हमारे बड़े इंटरेस्टिंग सेशंस होते हैं, क्योंकि साथ साथ 8-8 घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता। हम लोग काफ़ी पैशनेटली खो जाते हैं गानों में। तो ये पहली बार था कि ऐसे एक डिस्टेंस में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे गाना। सो वो एक चैलेंज था, बट गाना अपने आप में इतना मोटिवेटिंग था कि गाना सुन करके मन करता है उस पर काम करने का। जब भी मिथुन सर का गाना मुझे आता है रिकॉर्ड करने के लिए, तो उस पर बड़ा मन करता है मेहनत करने का। उस पर मन करता है कि इसको और कैसे बेटर बनाया जा सकता है। दैट्स द एनर्जी ही ब्रिंग्स ऑन द प्रोजेक्ट। तो आ गए हम इस अ सॉन्ग जो बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब इस गाने को रिकॉर्ड करा तो उस वक्त मतलब इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू रिकॉर्ड इट। और उसमें मेरी वॉइस अलग साउंड करती है, एंड हर गाने की तरह जो मैं इनके साथ करता हूँ, मेरी वॉइस हर बार कुछ एक अलग अंग निकाल के लाते हैं वॉइस में मेरे। सो उस तरह से हुआ। देन शायद पहले ये फिल्म का गाना था, ये फिल्म के लिए कंसिडर कर रहे थे, बट देन वी केम टू अ प्लेस वेयर एक म्यूज़िक वीडियो करने का प्लान बनाया गया भूषण कुमार जी के थ्रू टी सीरीज़ में। द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट वॉज दैट मिथुन सर वॉज फीचरिंग इन इट, एंड विच मेड दिस स्पेशल फॉर मी। आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ हिज वर्क एंड हाउ ही कंसिस्टेंटली वर्क्स ऑन अ सॉन्ग एंड ऑलवेज क्रिएट्स मैजिक थ्रू म्यूजिक। सो कंसिस्टेंटली ही इज़ बिन डूइंग दैट फॉर ईयर। दैट्स समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम। एंड वो धुन अब ये कितना बड़ा पहाड़ बन गई है। इट हैज़ क्रॉस बिलियंस ऑफ व्यूज़, पीपल आर लविंग इट सो मच। एंड जी मिथुन जी, गाने को मिलियंस ऑफ व्यू तो आ ही रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों की जो जोड़ी है, जैसा कि आप लोगों की कितना चाहने तुझे कितना चाहने लगे गाना, हम जब आया था तो हमने देखा था, मतलब हर जगह, चाहे हम बात करें सोशल मीडिया की, यूट्यूब पर, हर जगह ये धमाल कर रहा था। अभी भी ये गाना लोगों को बहुत पसंद आता है। सखी सर ने भी कहा कि जब आपकी तरफ से कोई गाना आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, साथ साथ 8-8 घंटे काम करने पड़ते हैं, इसलिए क्योंकि वो अच्छा निकल कर आए। सो कैसा होता है एक्सपीरियंस इस पूरे, जब भी कोई प्रोजेक्ट आप लोग साथ में करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मैं कुछ फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, मैं कुछ अजीब नहीं कर रहा हूँ। मेरे मुताबिक म्यूज़िक ऐसे ही होना चाहिए। सही है। तो कई बार लोग मुझे पूछते, हमने सुना कि आप ऐसे काम करते, तो मुझे ताज्जुब होता है, क्योंकि मेरे लिए म्यूज़िक वैसे ही होता है। मतलब वही वो अनु उस अनुभव को जीने के लिए मैं म्यूज़िशियन बना हूँ। वरना तो दुनिया में बहुत सारे काम है, पैसे कमाने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, और आज तो इतने सारे एवेन्यूज़ खुल गए। लेकिन हम लोग वो नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग थोड़े से बेवकूफ़ हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ी कह लो, ये इनोसेंस कह लो, ये हमने चूज़ किया है, ये हमें ये दिया गया है, तो हम बहुत खुश हैं इसमें। और ये उस अनुभव को एक्सपीरियंस करते हैं। हम जैसे बता रहे हैं, स्टूडियो पे आते हैं तो एक धुन के ऊपर हम बातचीत करते हैं कि उसको कितने तरीके से कर सकते हैं। ये कभी माइक पर जाते हैं, कभी गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं उसको ले लेते हैं, उस पर हम इम्प्रोवाइज करते हैं, जैम करते हैं। तो इस ये जो मंजिल है, जैसे आज आप
कल गाना रिलीज हुआ, इसके पहले अपने आप में बहुत एक बहुत इंटीमेट सफ़र होता है, एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रहती है, उसको आई थिंक एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको जब हम करते हैं तो उसके बाद में आई थिंक सब अच्छा ही होता है आगे से। तो उस एक्सपीरियंस इस गाने में, या आपने कबीर सिंह की बात की, उस टाइम पे भी उस टाइम उस गाने के दो वर्जन्स है। एक है कि दिल का दरिया बह ही गया, राहों में तू जो यूं मिल गया, तो वो जुबिन ने गाया, और उसका दूसरा वर्जन भी है। तो देखिए अरिजीत ने जब दूसरा वर्जन गाया तो उनका कनेक्ट जो है उस पोइट्री के साथ में, ये जो पोइट्री है इसमें जो है एक एक बयामा ज़्यादा है, एक ड्राइनेस ज़्यादा है, और जुबिन पहले से उन्होंने बहुत इस वर्जन में बिलीव किया। तो वो जब पहला जो उसका जो लव वर्जन है जब बाहर आया तो लोगों ने बहुत उसको प्यार दिया, बट जुबिन उसमें बहुत बिलीव करते थे। मुझे बार बार फ़ोन करके पूछ रहे थे कि मिथुन ये कब आएगा बाहर, ये आई बिलीव इन दिस, आई बिलीव इन दिस। और उनका बिलीव था जो उस वर्जन को भी उतना बड़ा बनाकर ले गया। इनकी इनका लाइव परफॉर्मेंस वायरल भी हुआ था जब उन्होंने इतने हज़ारों लोगों के साथ गाया, मतलब अपने आप में वो एक वर्जन बन गया। तो ये एक आर्टिस्ट का कनेक्ट होता है, उसकी खूबसूरती होती है कि दो फूल है, दोनों अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, एक एक अलग रंग से आता है, दूसरा एक अलग रंग से आता है। तो आई थिंक हर गाने में मैं उस एक्सपीरियंस को बहुत वैल्यू करता हूँ, और ऐसे जो मोमेंट्स ही है यही है जो हमें बाद में, यही हमारी दौलत है एक्चुअली, यही हमें बाद में 50 साल बाद जब हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये मोमेंट्स ही रह जाएंगे। राइट, क्या बात, वही है। अब हम देख रहे हैं कि उन फूलों की जो खुशबू है अब वो लोगों तक पहुंच रही है जी। सो इंडस्ट्री की सबसे हिट जोड़ी प्रेजेंट टाइम की आप लोगों की मानी जा रही है, जी आपसे भी जानना चाहेंगे, मतलब जो भी आप लोग प्रोजेक्ट करते हैं आप लोगों को सबसे हिट माना जाए, तो कैसे देखते हैं आप अपनी इस जोड़ी को? आई थिंक जैसा हमने बोला, वी आर लाइक माइंडेड म्यूजिशियंस, हम लोग का एक जो वर्क करने का पैशन है वो बहुत सिमिलर है। गाने में खो जाना, उसमें रह जाना, उसको बार बार सुन के उसको बार बार उसमें मज़े लेना, मुझे लगता है दैट्स हाउ यू क्रिएट अ सॉन्ग जो शायद हम लोग के बाद भी रह जाएगा। और यही सब आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ म्यूजिशंस के लिए यही होती है कि उनका गाना उनके बाद भी रह जाए, उनके बाद भी हम लोग के बाद भी हम लोग को लोग हमारे काम से याद करें। तो मुझे लगता है अगर हम लोग ऐसे गाने साथ में कर पा रहे हैं, इट्स इज़ गॉड्स गिफ्ट टू अस, और आई थिंक गॉड हैज़ गॉट अस टुगेदर टू डू दिस जॉब ऑफ स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ लव। नहीं, आई थिंक जैसा इन्होंने कहा कि देखिए जोड़ी वर्ड से पता नहीं हम इतना रिलेट करते हैं नहीं करते, बट हम लाइक माइंडेड है, और वो जो जब प्रायोरिटीज़ सिमिलर हो तो अपने आप जो है अनुभव अच्छा ही होता है। तो हम भी स्टूडियो में जब मिलते हैं तो हम कभी नंबर्स के बारे में बात नहीं करते, कभी व्यूज़ के बारे में बात नहीं करते, कभी ट्रेंड्स के बारे में बात नहीं करते। आज तक मैंने इन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा कि आपने कौन से ब्रांड का शर्ट पहना है या आपने कौन से स्नीकर्स पहने हैं। तो ऐसा नहीं कि वो भी चीज़ें हम करते हैं लेकिन वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि संगीत अच्छा होना चाहिए, वो एक साधना है, जैसे उन्होंने कहा वो एक परमेश्वर की देन है, उसको सही तरीके से निभाना है। तो जब वो लाइक माइंडेडनेस होता है तो फिर अपने आप काम खूबसूरत होकर निकलता ही है। तो शायद इसलिए हमारा जो काम है लोग उसको पसंद कर रहे हैं। एंड अब हम देख रहे हैं कि वो गाना जो है वीडियो बन के आया, वीडियो में भी आप लोग हैं जी, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है आपको। तो हम जीसीएम लंबे टाइम से देख रहे हैं, एक्ट करना कितना इजी हो जाता है आपके लिए अपने ही गाने पर, जो अपने ही आपने म्यूजिक किया है सॉन्ग। आई थिंक जुबिन तो काफ़ी ज़्यादा मुझसे एक्सपीरियंस्ड है कैमरा के सामने। Still the first day is nervous. I was as nervous as you. तो इन्होंने तो वो जो बाइक है बहुत मुश्किल है उसको चलाना, लेकिन ये एक्चुअली ये जो किरदार उन्होंने निभाया है जो सच में ऐसे ही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने वीडियो पे जो किराए पे बाइक लेके चला रहे, वो अगर आप उत्तराखंड की घाटियों में जाएंगे तो आपको जुबिन कहीं ना कहीं रास्ते में नज़र आ जाएंगे, वादियों में कहीं बाइक चलाते हुए। वो इस किस्म के व्यक्ति है, तो ही प्लेड हिमसेल्फ, और वही कोशिश रही इसमें। आई थिंक मैं क्रेडिट देना चाहूँगा आप भूषण कुमार को, जिन्होंने वो विजन रखा। उन्होंने कहा कि मिथुन आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज अ कंपोज़र, कंपोज़र का किरदार क्या होता है गाने के साथ, वो मैं पेश करना चाह रहा हूँ।
और फिर आशीष पांडा जो हमारे डायरेक्टर है उन्होंने भी बहुत आई थिंक डिग्निटी के साथ एक आर्टिस्ट को, मुझे, जुबिन को, संजीता को रिप्रेजेंट किया है, प्रेजेंट किया है रादर उस वीडियो में। और हमारे डीओपी समीर जी, मतलब आपने कहा कि बहुत खूबसूरत लग रहा है उदयपुर जो है, बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर हुआ, तो इसका श्रेय उनको जाता है। तो आई थिंक जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा बिकॉज आई वॉज बींग माई सेल्फ, तो ऐसे ही हूँ मैं, टहलते हुए कहीं भी निकल जाता हूँ। तो वीडियो में भी वही कर रहा हूँ, मैं टहल रहा हूँ और मैं इनको ढूंढ रहा हूँ और संजीदा को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि उनकी तस्वीर मेरी, और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं एक एक कम एक आर्टिस्ट की डायरी मुझे मिल जाती है और मैं उनकी खोई हुई चीज़ उनको लौटाने के लिए निकला हूँ। तो ये चीज़ें बहुत नेचुरल होती है, कुछ चीज़ें सीखने को मिली कि कैमरा के फ्रेम्स, फ्रेमिंग कैसी होती है, लुक कैसे देना होता है। दिस इज़ न्यू टू मी, बट आई थिंक आशीष मेड मी वेरी वेरी कम्फर्टेबल, सो एंड आई एम हैप्पी विद द वे आई एम लुकिंग इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, मैं जैसे दिखता हूँ वैसे ही मुझे पेश किया गया है। हाँ, तो वो, और काफ़ी मुझे लोग अभी तक तो आई थिंक पीपल हैव एक्सेप्टेड इट, किसी ने भी ये नहीं कहा कि इट्स लुकिंग आउट ऑफ द, मतलब कुछ जार लग रहा है। तो होपफुली आई'ड लाइक टू डू मोर ऑफ दिस। तो यही मेरा अगला भी सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में भी हम जैसे जुबिन को देखते रहते हैं, आपको भी देखेंगे ऐसे म्यूजिक वीडियो में? एंड प्रेजेंट टाइम तो ऐसा चल रहा है जुबिन जी, म्यूजिक वीडियो ट्रेंडिंग में है, लोग बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, जी मिथुन जी को हम और देखेंगे ऐसे म्यूजिक वीडियो में? जी, आई थिंक वाई नॉट, क्योंकि मेरा अनुभव इसमें बहुत बहुत उमदा रहा है। तो इस किस्म की अगर कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि मैं एक कंपोजर होने के नाते मैं एक मुसाफिर हूँ और वहाँ पर मुझे एक डायरी मिलती है और फिर उस खोज में मैं लग जाता हूँ, तो ये मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। तो इस किस्म के अगर रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स होंगे और मेरे असली पर्सनैलिटी से मिलते जुलते होंगे तो मैं करना चाहूँगा। हम ऐसे आपको देखेंगे उत्तराखंड में, देहरादून की वादियों में ऐसे बाइक से, और भी ऐसे ढेरों सारे वीडियो वहां से आने वाले हैं, ऐसे आप देखेंगे? यस, डेफिनेटली एक सिलसिला शुरू हो गया है वीडियोस का, और हर म्यूजिशियन, मेरा मानना है कि जब भी एक इंडिपेंडेंट साउंड होती है, तो जब आर्टिस्ट उसको खुद अपने ऊपर फिल्माता है और उसके साथ जुड़ता है ऑडियो विजुअल लेवल पे, आई थिंक वो एक अलग ही पर्सनल कनेक्ट क्रिएट करता है हमारा ऑडियंस के साथ, हम सब का। सो आई थिंक ऐसे और वीडियोस बनने चाहिए, स्टोरी बेस्ड वीडियोस बनने चाहिए, विच इज़ वेरी नाइस। एंड बीइंग अ म्यूजिशियन इन अ स्टूडियो इज़ डिफरेंट, बीइंग अ म्यूजिशियन ऑन स्टेज इज़ डिफरेंट, बट बीइंग अ म्यूजिशियन इन फ्रंट ऑफ कैमरा इट्स अनदर स्टोरी, एंड आई एम एंजॉइंग इट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड दैट ही इज़ गोना बी डूइंग मोर म्यूजिक वीडियोज। आई थिंक ही डज अ वेरी गुड जॉब। हमेशा ऑडियंस, मतलब आप लोग कितना भी काम करें, ऑडियंस हमको हमेशा इस बात का इंतजार होता है कि और क्या कुछ आप लोग साथ में प्रेजेंट कर रहे हैं। लॉकडाउन से अनलॉक में अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो आने वाले दिनों में बताइए कि और आप लोग ऐसे साथ में क्या कुछ धमाका करने वाले हैं, क्या कुछ ऐसे एक हुकुम का इक्का निकालने वाले हैं? हुकुम का इक्का, इस बार लॉकडाउन में हमने काफ़ी ऐसे सॉन्ग्स हैं जो साथ में डब करें, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड है, बहुत इंटरेस्टिंग सॉन्ग है और खूबसूरत मेलोडीज़ हैं। वो अपना घर कहाँ बनाएंगी, कैसे जाएंगी, वो उनका अपना रास्ता है, हमारा काम है सिर्फ उसको निभा देना पूरी मेहनत करके। सो डेफिनेटली अभी आप आने वाले वक्त में हम लोग के कुछ बहुत खूबसूरत गाने सुनेंगे जो आपको कुछ पुराने वक्त की याद दिलाएंगे। तो इनकी बात से मुझे अच्छी बात ख्याल आया कि हर धुन जो है वो अपना घर खुद बना लेती है, और मैं हमेशा अपने दोस्तों से भी ये कहता हूँ कि मैं वो जो कई बार लोगों का सोचना होता है, या मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं ये नहीं मानता कि मैं ये धुन को यहाँ लेकर जाता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं, 15 साल में कभी नहीं ऐसा किया। मेरा मानना है कि ये धुन है ये हम आर्टिस्टों को लेकर जाते हैं। तो वो प्रिंसिपल, वो रेवरेंस और वो एहतराम को संगीत को देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बाकी तो गाने अपने आप जगह बना ही लेते। सो जाते आते अगर फ्यू लाइंस जरूर जरूर
थैंक यू.